हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक प्लेन है हमारे पास ये, और एक दूसरा प्लेन है, और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है, इस लाइन से एक और प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और ये गिवन है कि ये जो प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जो हमें प्लेन फाइंड करना है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, जो प्लेन गिवन है उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमेशा आपको याद रखना होता है इसके लिए कि फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन और सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं और इनटू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, और इसको ज्यादातर कार्टेजियन में करने में सही रहता है। तो हम यहाँ पे कार्टेजियन में कन्वर्ट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, वन को इधर ले आते हैं, प्लस लैम्डा, और दूसरे वाले प्लेन को ले लेते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये वो प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, लेकिन हमें कंडीशन गिवन है कि ये लाइन प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, वन प्लस टू लैम्डा। दो मेथड से बताऊंगा मैं तुम्हें, कोई से भी कर सकते हैं आप, वन प्लस थ्री लैम्डा और वन माइनस लैम्डा, माइनस वन प्लस फोर लैम्डा, ये इसके जनरल इक्वेशन हो गई। जनरल इक्वेशन में ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है ए वन बी वन सी वन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। ये हमारा प्लेन है जो हमें फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसके डी आर क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के डी आर होते हैं ए जीरो जीरो। जो प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन का नॉर्मल ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस प्लेन के पैरेलल है इसलिए नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा लिख देंगे, बिकॉज प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से प्लेन की इक्वेशन में से ए वन बी वन सी वन ले लेंगे और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो ये है हमारे, तो क्या आ जाएगा हमारा, वन प्लस टू लैम्डा इंटू, सॉरी यहाँ पे हमने डायरेक्शन रेशियो वन लेना था, वन एक्स एक्सिस के डी आर वन जीरो जीरो होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल होता है कोस जीरो, तो इसलिए कोस जीरो वन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वन वन प्लस थ्री लैमडा इंटू जीरो, वन माइनस लैमडा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई माइनस हाफ। पुट लैम्डा इन वन, फर्स्ट इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे,
माइनस हाफ, तो मैं आंसर आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन माइनस हाफ और टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एलसीएम लेके इक्वेशन बना देते हैं, टू एक्स माइनस टू एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, टू वाई माइनस थ्री वाई, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, टू वाई माइनस थ्री वाई तो माइनस वाई, और टू जेड प्लस जेड थ्री जेड, और माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, तो y माइनस थ्री जेड इक्वल टू सिक्स, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आप इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से और बता रहा हूँ, वो और भी आसान लगेगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, मतलब उसमें जो एक्स का कोफिशियंट है वो हमारा नहीं होता है, मतलब एक्स की टर्म जीरो होती है। तो अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे हम जो एक्स का कोफिशियंट है ये इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो वन प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये मेथड आपको ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी चैप्टर 11 की, जहां पे आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।